सोहनी कुड़ी किथे आ नाले एनक तेरे लगी आ मेरे नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई फिल्म जट ब्रदर्स को लेकर। फिल्म काफ़ी अच्छी है, कॉमेडी से भरपूर है और कॉलेज लाइफ आपको एक बार फिर देखने को मिल जाएगी इस फिल्म में। दो भाइयों की कहानी और उनका आपस में कॉम्बिनेशन आपको पसंद आने वाला है, जिसका कि रोल प्ले किया है जस मानक और गुरी ने, जो कि जाने माने पंजाबी सिंगर हैं। इनके अलावा फीमेल लीड में देखी जा रही है निकित ढिल्लो। तो ऐसे में बात करने वाला है फिल्म के 4 डेज कलेक्शन को लेकर कि फिल्म अपने 4 दिनों के अंदर अंदर क्या कलेक्शन कर रही है और क्या चांसेस हैं कि फिल्म हिट होगी या फिर फ्लॉप। डाई हार्ट फैन हो आप इनमें से भी किसी के और जानना चाहते हो अपडेट, तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो यार। चलिए आपको बता दूँ, इसका जो बजट है वो है महज 8 से 10 करोड़ रुपए, जो कि ज़्यादा नहीं है और ये फिल्म आसानी से रिकवर कर लेगी इतना बजट। तो अब कलेक्शन की बात आती है, तो आज मंडे है जिसके चलते काफ़ी हद तक ड्रॉप देखा जा रहा है कलेक्शन में, और जो कलेक्शन आ रहा है इसका एस्टिमेट अपने 4th दिन का इंडिया से 50 लाख के आसपास है, तो वहीं ओवरसीज़ मार्केट में 1 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर पा रही है ये फिल्म अभी भी। तो आप समझ सकते हो कि इस फिल्म का जो कलेक्शन आ रहा है 4th दिन का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड से, वो आया लगभग 1.5 करोड़ रुपये। तो जिसके बाद कलेक्शन हो चुका है इसका 4 दिनों के अंदर अंदर अभी तक पूरी जगह से मिला के ऑल ओवर हो चुका है तकरीबन 7 करोड़ के आसपास, लमसम आप कह सकते हो। मतलब यही है कि इस फिल्म को अभी 3 करोड़ का कलेक्शन और करना है अपनी बजट रिकवरी के लिए, जो कि फिल्म 2 नहीं तो 3 दिनों में कर चुकी होगी, यानी कि अपने 7 दिनों में अपनी बजट की रिकवरी कर चुकी होगी। उसके बाद ये फिल्म जो भी अमाउंट रिकवर करेगी, बोले तो कमाएगी, वो सब इसके प्रॉफिट और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने में मदद करने वाला है। फिर आपकी ओपिनियन क्या है फिल्म को लेकर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। कुछ लोग इस फिल्म को बेतुकी बता रहे हैं, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपकी शायद मुझे लगता है सोच बेतुकी है, क्योंकि फिल्म काफ़ी अच्छी है, फुल पैसा वसूल है, अगर आप देखते हो तो आपको खुशी मिलेगी, जाहिर सी बात है। पंजाबी मूवीज़ की यही खासियत है कि आप कभी निराश नहीं हो सकते उन फिल्मों से। वेल, आपकी ओपिनियन कमेंट में मेंशन करते रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।